सच मायने में तो आज मुझे नहीं माननीय केजरीवाल जी को ही बोलना चाहिए। मैं तो बहुत ही दूर जा चुका था राजनीति से। वैसे मैं 3 बार इलेक्टेड रहा, लेकिन जब से सेवा में लगा और कोविड में तो परमात्मा ने ज़्यादा मौका दिया, मान सम्मान मिला। लेकिन मुझे जब लावारिस लाशों का दाह संस्कार करते हुए उस दिन माननीय केजरीवाल जी का फ़ोन आया कि शंटी जी, मैं भी इस यज्ञ में आहुति देना चाहता हूँ, तो मैंने सोचने का समय मांगा। लेकिन मेरे दिल ने, मेरे ज़मीर ने, मेरे परिवार ने, मेरे साथियों ने कहा कि शंटी जी, आपके काम में और उनके काम में समानता है। वो पैदा होने से लेके बुजुर्गों तक सभी जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा कर रहे हैं केजरीवाल जी। और जब वो जाने लगते हैं लोग, और खास करके मैं इसमें कहूंगा कि हमारे जो प्रवासी भाई बेचारे दिल्ली में आके योद्धा के रूप में काम करते हैं, लोग उनको मजदूर कहते हैं, मैं उनको योद्धा कहता हूँ, अपना घर बार छोड़ के आते हैं और किस प्रकार से वो बच्चों को पालने के लिए मेहनत करते हैं, और जब मृत्यु हो जाती है तो उनको लकड़ी भी नसीब नहीं होती है। तो जब जीवन वाला काम ये संभाल रहे हैं, मृत्यु वाला मैं संभाल लूंगा, और दिल्ली की विधानसभा से जीने से लेके जाने तक के इंतजाम दिल्ली सरकार कर देगी, तो मुझे लगता है कि हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। और लकीली हम दोनों शहीद आजम भगत सिंह जी के फॉलोअर भी हैं, वो हमारे मेंटोर हैं। मुख्य रूप से मैं इनकी सेवाओं को देखते हुए अपनी सेवाओं को इनके साथ जोड़ रहा हूं, क्योंकि मेरी सेवाएं बेसिकली अनक्लेम डेड बॉडीज़ की हैं, एम्बुलेंस है, शव वाहन है, और ब्लड डोनेशन जिसका मेरा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया, 106 बार मैंने भी ब्लड डोनेट किया है। ये मिशन हमारे चलते रहेंगे क्योंकि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं से और जुड़े हुए हैं। और मेरा घर, मेरी कर्म भूमि, मेरा शमशान घाट है जी। इसलिए मैंने अरविंद जी से कहा कि मैं फिर से राजनीति में आना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने कहा, शंटी जी, हम जीवित जरूरतमंदों की सेवा करते हैं और आप मृत जरूरतमंदों की, अगर आप हमारे साथ आएंगे तो एक तरीके से असहाय लोगों का जीवन से लेकर मृत्यु तक का इंश्योरेंस हो जाएगा। और ये सच भी है, आपका सेवा का क्षेत्र और बढ़ेगा। गरीबों के लिए जीते जी भी सम्मान और जाते जाते भी सम्मान, एक ऐसी सुविधा हम सब मिलकर काम करेंगे। विधानसभा में पहली बार बेसहारा असहाय लोगों और खास करके बेसहारा लाशों की मानव अधिकारों पर, मैं आपको बता दूं कि मानव अधिकार पे सबसे पहली आवाज शहीद आजम भगत सिंह ने लाहौर जेल में उठाई थी, जब 123 दिन भूख हड़ताल की थी, और कोविड के बाद मैंने उठाई थी कि डेड बॉडी क्यों ना मिले उनको, और वो मिलनी शुरू हुई। मैं इस बात को आगे लेके चलूंगा आने वाले समय में। और आप परिवार के साथ मैं स्वेच्छा से मैंने फैसला किया जुड़ने का। राजनीति मेरे लिए केवल आशीर्वाद कमाने का एक माध्यम होगी, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल ये दुआएं, ये आशीर्वाद ही साथ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैं यही कहूँगा, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। जय हिंद।